नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां हिंदू धर्म के पवित्र नवरात्र त्योहार के महोत्सव रीवा जिले में शहर के अंदर मांस मदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए बजरंग सेना ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि नवरात्रि तक प्रशासन सख्ती से प्रतिबंधित नहीं करता तो बजरंग सेना हिंदुत्व के लिए इन दुकानों को स्वयं बंद करवाने की कार्यवाही के लिए बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। देखिए, यहाँ पे नित्य राघव शरण मंदिर है। नित्य राघव शरण मंदिर के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो मछली की दुकानें लगती हैं। चिरहुला मंदिर हो गया अपना, रानी तलाव मंदिर हो गया, हॉस्पिटल चौराहे के बगल में हो गया, और ये आपका इसमें झिटिया वाला मंदिर हो गया, समान नाका में हो गया, है ना। तो जहाँ भी इस तरह के जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, वहाँ अगर वो हो गया, आप फूलमती मंदिर हो गया जो माता जी का सबसे बड़ा मंदिर है, तो ये है ना? कि जो समान वाली वो है, शहर के अंदर जगह जगह शराबखोरी की जा रही है, बजरंग सेना इस पर क्या कर रहा है, क्या जो अभी तक इस तरह में कोई देखिए, हम लोगों ने पहले भी इस शराबखोरी को लेकर के ज्ञापन दिए हैं। और अगर मैंने पहले तो हम बजरंग सेना ये मांग करती है कि सर आप पूर्णतः प्रतिबंधित हो, और अगर नहीं प्रतिबंधित कर सकते तो आप उसके लिए एक सुनिश्चित जगह बनाइए जहां पर लोगों को वो करें, रोड में चलते हुए शराब पी करके और माताओं और बहनों के साथ में अभद्रता होती है, इन सब चीज़ों के खिलाफ बजरंग सेना शुरू से लड़ रही है। आज बजरंग सेना रीवा जिले की पूरी टीम, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामशंकर जी और संभाग अध्यक्ष हमारे सुधीर तिवारी जिला अध्यक्ष, इनके नेतृत्व में आज कलेक्टर ऑफिस में हम लोग यहां पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। चूँकि आने वाले 26 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, हिंदू धर्म का आस्था का त्यौहार है, पूरे देश में मनाया जाता है, तो मांस मदिरा की दुकान पूर्ण रूप से बंद हो ताकि हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ ना हो। और जब लोग जल चढ़ाने आते हैं माता के मंदिर पे तो मांस मदिरा की दुकान खुली रहती है, जिससे माता जो बहनें हैं माताएं हैं वो उपवास रखती हैं, तो उनका उपवास टूटने का और खंडित होता है। इसलिए हमारा निवेदन है शासन प्रशासन से कि नवरात्रि में पूरे 9 दिन मांस मदिरा की दुकान बंद रहें। इसी आह्वान के साथ हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। अगर ये बात नहीं मानेंगे तो हम उग्र होंगे उग्र आंदोलन करने के लिए, और हम दुकानें बंद करवाएंगे स्वयं। फिर ऐसे कौन कौन सी जगह आप शहर के अंदर चिन्हित की है बताइए। भारत माता की, भारत माता